इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अनन्या सीड्स। नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्रीन टीवी में। दोस्तों, अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं प्याली हैंडीक्राफ्ट के चित्रा शाह जी से, जो कि हमको बताएंगी प्याली हैंडीक्राफ्ट के बारे में, इनके प्रोडक्ट्स के बारे में। ये एक महिलाओं का समूह है जो कि वेस्ट बंगाल बेस्ड है। तो आइए इन्हीं से जानते हैं इनके बारे में, इनके प्रोडक्ट्स के बारे में। मैम, आपका स्वागत है ग्रीन टीवी में। मैम, सबसे पहले जानना चाहूँगी आपसे कि आप अपने जो ग्रुप ऑफ वुमेन्स, महिलाओं का आपका समूह है, उसके बारे में बताइए कि कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हैं। 20 ज्वेलरी जो बनाता है 20 से 25 महिला है, और क्रोशिया का काम जो करता है, क्रोशिया का जो काम करता है वो भी 20-25 लेडीज लोग है मेरा साथ काम करता है। यानी कि करीब 50-60 के करीब महिलाएं आपके? हाँ, टोटल 50-60 का महिला है। ये क्या, वेस्ट बंगाल के कौन से गांव से आप लोग बिलोंग करते हैं? कोलकाता, कोलकाता में। और क्या क्या प्रोडक्ट आप बनाते हैं? मैं टेबल मैट, पेन स्टैंड, ज्वेलरी बैग, क्रोशिया का बैग, फाइल फोल्डर, सब कुछ बनाते हैं। ज्वेलरी है वो जूट ज्वेलरी? जूट ज्वेलरी है, हाँ जूट ज्वेलरी है। इसकी ये खासियत होती है कि ये देखने में हैवी लगता है, लेकिन ये वेट है, वेट नहीं है, हल्का है। और मैम, यहाँ पे जो है आपका मार्केट क्या क्या है? सिर्फ आप कोलकाता में बेचती हैं या फिर ऑनलाइन? ऑल इंडिया से सेल करते हो? ऑल इंडिया किस तरीके से, ऑनलाइन? एग्जीबिशन नहीं, एग्जीबिशन होता है हम लोग का, गवर्नमेंट का एग्जीबिशन होता है, उसमें हम लोग आते हो, वहाँ पर सेल करते हो। अच्छा, तो और जो है वो आपके साथ जो महिलाएं हैं वो कितना उनको रोजगार मिल जाता है जनरली, जो है ज्यादा हाउसवाइफ होंगे? काम करता है ना, जो एक एक पीस हिसाब से हम लोग रुपया देते हैं उनको। तो किसी ने महीना में 1,000 रुपया, किसी ने 5,000 रुपया भी करता है, किसी ने 3,000 रुपया करता है, जो जैसे काम, घर का काम करने के बाद वो लोग ये काम करते हैं, इसलिए जो होता है। मेनली मैम, आप कैसे महिलाओं को प्रेरित करती हैं कि वहाँ पे जाके उनको कैसे अपने साथ जुड़ने के लिए कहती हैं, ये इसके बारे में जानना चाहेंगे? वो लोग काम करने के लिए मेरे पास आते हैं, तो मैं रॉ मटेरियल दे देती हूँ, घर बैठे बनाते हैं, और जो उनको नहीं आते मैं मेरा घर में बैठे सिखा देती हूँ। सिखाने के बाद वो लोग सीख के सामान ले जाते हैं घर में, घर बैठे बनाते हैं। प्याली हैंडीक्राफ्ट की शुरुआत कब हुई थी और किस तरीके से आपने अकेले से शुरू किया था या फिर? हैंडीक्राफ्ट शुरू हुआ था 86 में शुरू हुआ था, तो मैं अकेले काम कर रहा था। उसके बाद मैं निर्जप्ट के साथ जुड़ा हुआ है, निर्जप्ट को ट्रेनिंग लिया, ट्रेनिंग के बाद मैं ट्रेनर, मास्टर ट्रेनर भी हुआ। निर्जप्ट का तरफ से हम लोग ट्रेनिंग देती हूँ, ऑल इंडिया बेस में ट्रेनिंग देती हूँ, फिर एग्जीबिशन भी करती हूँ। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जी, तो दोस्तों हमने आपको मिलवाया प्याली हैंडीक्राफ्ट की चित्रा शाह जी से, जिन्होंने हमको बताया अपने प्रोडक्ट के बारे में, किस तरीके से महिलाएं इनके साथ जुड़ी हुई है, महिलाएं इनके साथ आती हैं काम करने के लिए। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।